इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो है हम क्वाड्रेटिक टर्म और लीनियर टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा तो जो है ये किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसका फार्मूला आपको पता होगा, फिर वो फार्मूला लगा देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वाड्रेटिक टर्म आपका एक्स स्क्वायर है, लीनियर टर्म माइनस एक्स है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 अपॉन हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर ना माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई 2 और प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर और प्लस 3 है ना। तो डी एक्स तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3 माइनस 1 बाई 4 है ना डी एक्स। तो देखा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर और प्लस ये 12 माइनस 1 11 बाई 4 हो गया, ठीक है। और फिर जगह इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर फिर प्लस रूट ऑफ 11 बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला हो गया किसका, बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/2 लॉग 1/2 लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना, तो फार्मूला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 और चलिए फार्म में बताओ, जैसे रूट ऑफ ये स्टेप नहीं दिख रहा है, हाँ देखिए जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना,
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस ये होता ना, इसे मैनर भी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर और प्लस रूट इलेवन बाई टू होल एक्स माइनस वन बाई टू है फिर प्लस रूट एक्स माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर और प्लस रूट ऑफ इलेवन बाई टू होल स्क्वायर है ना, ठीक है, और प्लस सी। अब इसे मिल रहा दीजिए कितना हो जाएगा, ए लॉग कैसे मिलिए तो टू एक्स माइनस वन बाई टू और प्लस ये इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको जो सिंप्लीफाई करके कितना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर और प्लस वन बाई फोर और माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई टू और प्लस इलेवन बाई फोर होते है ना और प्लस सी और ब्रैकेट खोलो ठीक, ये हो गया आपका लॉग टू एक्स माइनस वन और प्लस रूट ऑफ ऐसे में लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस थ्री हो जाएगा वन बाई फोर प्लस इलेवन बाई फोर आपका ट्वेल्व बाई फोर हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो टू से टू कर देगा और प्लस सी प्लस थ्री और प्लस सी इसको साल्व करेंगे ना।